संसद से अब तक 143 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। 143 में 97 सांसद लोकसभा से हैं तो 46 राज्यसभा से। सस्पेंशन झेलने वाले सभी सांसद विपक्षी इंडिया अलायंस के हैं। बसपा से निकाले गए सांसद दानिश अली इसमें एकमात्र अपवाद है। इस तरह से संसद के अंदर इंडिया अलायंस के 139 सांसदों में से लोकसभा के अंदर सिर्फ 43 बचे हैं। राज्यसभा में 96 सांसदों में से 50 सांसद बचे हैं। इन्हीं के सामने सरकार बिल ला रही है, बहस कर रही है। ये तो हो गई आज की खबर। अब चलते हैं 61 साल पहले, तारीख 24 मई 1962 में। ये वो तारीख है जिस दिन संसद से पहली बार किसी सांसद को सस्पेंड किया गया था। क्या हुआ था उस दिन, कौन था वो सांसद, चलिए जानते हैं। तारीख 24 मई 1962, पहली लोकसभा की शुरुआत हुए 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका था। हरियाणा का एक लाल पहली बार संसद पहुंचा था। एक जमीनी सोशलिस्ट नेता जो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे सोशलिस्ट नेताओं का शागिर्द था, सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर हिसार लोकसभा पहुंचा तो विपक्ष की इतनी मुखर आवाज बना कि लोग उनको डी फैक्टो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बुलाने लगे। नाम था मणिराम बागड़ी। सरकार के खिलाफ इसी मुखरता ने उनके नाम एक तमगा चस्पा कर दिया। क्यों हुआ था सस्पेंशन? दरअसल हुआ यह था कि मणिराम एक ऐसे मुद्दे पर संसद के अंदर बोलने लगे जो उस दिन एजेंडे पर था ही नहीं। उनको तत्कालीन स्पीकर हुकुम सिंह ने रोका, मगर बागड़ी कहां सुनने वालों में से थे। नाराज स्पीकर ने उनको एक हफ्ते के लिए लोकसभा सस्पेंड कर दिया, और तो और उनको मार्शलों ने उठाकर लोकसभा से बाहर किया। इस कदम के विरोध में तब बाराबंकी से सांसद राम सेवक यादव और दो अन्य लोग भी लोकसभा का बहिष्कार कर चले गए थे। लगभग 3 महीने बाद यानी 31 अगस्त 1962 को एक और मजेदार मामला हुआ। इस दिन राम सेवक यादव को संसद से सस्पेंड कर दिया गया था, यानी बागड़ी के लिए संसद से बाहर जाने वाले राम सेवक ऐसे दूसरे सांसद बने जिन्हें लोकसभा से सस्पेंड किया गया। और इस कदम के विरोध में इस बार मणिराम बागड़ी लोकसभा छोड़कर चले गए थे। राम सेवक यादव के सस्पेंशन के लिए बाकायदा मोशन लाया गया था और सबसे पहला सस्पेंशन झेलने वाले मणिराम बागड़ी इसके बाद भी मुखर बने रहे। इसी वजह से 25 दिसंबर 1964 को एक बार फिर वो सस्पेंड किए गए। इंदिरा के काफिले रोक नमस्ते किया। खैर, बागड़ी ऐसे ही थे, अपने सिद्धांतों पर अटल और उसूलों पर राजनीति करने वाले। हरियाणा के लोग उनको इसलिए शेरदिल आदमी कहते हैं। सभी दलों के नेता, खासकर सरकार के नेता, उनसे थोड़ा फासला भी बनाकर चलते थे। ऐसा ही एक किस्सा उनके बारे में सुनाया जाता है, जब इंदिरा गांधी ने गाड़ी रोक कर उनसे नमस्कार किया। दरअसल सांसद मणिराम बागड़ी बेटे सुभाष बागड़ी के साथ दिल्ली के अपने सरकारी आवास 3 मूर्ति लेन से पैदल ही दूध लेने जा रहे थे। तभी सामने से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का काफिला आ रहा था। पीएम इंदिरा गांधी ने काफिले को रुकवाया और गाड़ी का शीशा नीचे किया। इंदिरा गांधी ने मुस्कुराकर हाथ जोड़े और मणिराम बागड़ी को नमस्ते किया। उन्होंने भी इंदिरा जी का अभिवादन स्वीकार किया। संसद में कांग्रेसी नेता को भेड़ बकरी कहा। संसद के अंदर का भी एक दिलचस्प किस्सा मणिराम बागड़ी से जुड़ा है। बागड़ी संसद में अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता भी बने और इसी को लेकर कांग्रेस के सांसद सत्यनारायण सिन्हा ने मजाक में सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं को कहा कि मणिराम जैसे अनपढ़ को संसदीय दल का नेता कैसे बना दिया। बागड़ी को ये बात पता चली तो वे जवाब देने से भी नहीं चूके। अपने हरियाणवी लहजे में संसद के अंदर कहा, जब सिन्हा कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ कनॉट प्लेस से निकलेगा तो लोग इसे भेड़ बकरियों का काफिला बताएंगे, लेकिन जब मैं अपनी सोशलिस्ट पार्टी के 7 सांसदों के साथ जाऊंगा तो लोग कहेंगे ये देखो संसद के 7 शेर जा रहे हैं। मणिराम बागड़ी के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो वह 3 बार सांसद चुने गए और 1 बार विधायक। सबसे पहले 1962 में हिसार से, फिर 1977 में जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर मथुरा से, और आखिर 1980 में जनता दल एस की टिकट पर हिसार से। इसके बाद भले ही वे सांसद ना बने हों, मगर उनका कद ऐसा था कि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह उनका सम्मान करते थे। 21 जनवरी 2012 को 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।